अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अब मैं जो हूँ माले जो एयरपोर्ट है मालदीव्स का, उससे बाहर निकल रहा हूँ। ये मैं अभी दोबारा वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर था जो मेरी ओरिजिनल वॉइस है, तो मैंने कहा आप लोगों ताकि सही से समझ आए। ये अभी मैं यहाँ से जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान लेके जो इंफॉर्मेशन काउंटर है उसकी तरफ, वहाँ से मैं अपनी जो मेरी होटल बुकिंग है और जिस एजेंट ने मुझे लेने आना है उसके बारे में मैं पता करूँगा। आप देख सकते हैं राइट साइड पर हेल्प डेस्क है, सामने ये जो हुल हुले शॉप है, और यहाँ से अभी मैं हेल्प डेस्क से चेक करूंगा अभी के एजेंट ने किस टाइम तक आना है, तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ से आप देखें ये एयरपोर्ट का पूरा, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता एक टूर करवाऊंगा छोटा सा, ताकि जो एयरपोर्ट में जो शॉप्स हैं, एयरपोर्ट की जो सराउंडिंग्स हैं वो देख सको। अब देख ये सकते मेरा हैं कि फ्रेंड मेरा है, निकोला शिपमेट निकोला ही इज फ्रॉम क्रोएशिया, ही इज गोइंग बैक टू हिज कंट्री वाया जर्मनी। तो ये अपनी फ्लाइट की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसके पास इतना टाइम नहीं था कि घूम सके, मेरे पास तो 10-12 घंटे हैं। तो मैं अभी यहाँ से अपने एजेंट का वेट कर रहा हूँ। ये आप देखें ये एयरपोर्ट पे तमाम काउंटर्स बने हुए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रिजॉर्ट्स को कैटर कर रहे हैं। यहाँ से जिसके रिसॉर्ट के साथ आपकी बुकिंग है वहाँ से आके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप, फिर वहाँ से आपको फर्दर आपकी फेरी की तरफ आप जा सकते हैं। ये देखें आपको लेफ्ट पे बैंक ऑफ मालदीव नजर आ रहा है, और ये लेफ्ट पे HBL बैंक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कि पाकिस्तान का बैंक यहाँ पर एयरपोर्ट पे है HBL। ये देखें हबीब बैंक लिमिटेड आपको नजर आ रहा होगा, ये वही हेल्प डेस्क है। यहाँ से सीधा अगर आगे की तरफ जाएं तो यहाँ पर एक स्टोरेज बैग अगर आपको लिखा आ रहा हो, ये शॉप दिखाता हूँ आपको पहले, हुल हुले ग्रीन फार्मेसी। अच्छा, मालदीव जो है वो टोटली 100% मुस्लिम कंट्री है, पॉपुलेशन 100% मुस्लिम है, तो तमाम आपको जो भी चीज़ लेंगे आपको हलाल मिलेगी। ये बैगेज स्टोरेज सर्विसेज हैं, यहाँ पर प्राइस वगैरह भी लिखी हुई है। $6 जो है ना नॉर्मल साइज के बैग का, और बड़े साइज का बैग जो है वो $12 का आप स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपको घूमने वगैरह कहीं जाना है। मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितनी देर के लिए कर सकते हैं, पर ये नॉर्मली प्राइस है इसकी। ये नॉर्मली डिपार्चर के बाहर वेटिंग लाउंज है, जिन लोगों ने पिकअप जिनको करने आ रहे हैं लोग, या जो वेटिंग में अभी, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एयरपोर्ट में ऊपर पंखे चल रहे थे, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि बाहर जो है ये जो एरिया है ये एयर कंडीशन यहाँ पर नहीं है। ये टूरिस्ट पुलिस है आप देख सकते हैं, ये ऊपर जो आप देख सकते हैं मालदीव की लैंग्वेज लिखी हुई है जो मालदीवियन लैंग्वेज है, इसमें कुछ अरेबिक उर्दू के लेटर्स हैं कुछ छोटे थोड़े थोड़े से, लेकिन कुछ डिफरेंट लैंग्वेज है ये। ये यहाँ से जो है जब आप मालदीव से वापस आपने जाना हो तो इस जगह से गुजर के आप अंदर की तरफ जाते हैं अपनी फ्लाइट्स के लिए, इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके। इसी तरह ये तमाम जो काउंटर्स बने हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं ये टूरिस्ट काउंटर्स हैं, जहाँ से जिन लोगों ने बुकिंग कराई हुई है या आके करवानी है डिफरेंट रिजॉर्ट्स की, वो करवा के वहाँ पर जा सकते हैं। ये वाली जो है यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर एक ड्यूटी फ्री शॉप है, जहाँ से मोस्टली ग्लासेस वॉचेस इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। आप नाम देख सकते हैं क्या नाम लिखा हुआ है, ढोवेमी, ये इस ड्यूटी फ्री शॉप का नाम है। इसी तरह आगे मैं चलता हूँ यहाँ से अभी, क्योंकि एजेंट के आने में टाइम है तो मैंने कहा आपको बाहर का एरिया दिखाऊँ। ये दिरहगू जो है और ओरिडो वगैरह, ये यहाँ पर जो है लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज हैं। ये सामने मालदीव इस्लामिक बैंक की ब्रांच है, ATM वगैरह यहाँ पर। और ये जो एरिया है ये एयरपोर्ट के बाहर का एरिया है, ये मालदीव का जो एयरपोर्ट है माले का, माले बेसिकली मालदीव का कैपिटल है, ये बिल्कुल सी के ऊपर बना हुआ है एयरपोर्ट। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं सामने आपको बिल्कुल बीच नजर आती है। मुझे श्योर नहीं है यहाँ पर किस टाइम सनसेट होता है, तो ये आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखें वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स 2020, मालदीव वर्ल्ड लीडिंग डेस्टिनेशन 2020। माले जो बेसिकली ये जो सिटी है, लाइट कहाँ पर आ रही है यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ी लाइट ठीक है। मैं थोड़ा सा, ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा यहाँ पर मालदीव का जो कहते हैं कि पानी बिल्कुल ग्रीन है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये देखें ये मालदीव का मेरे पीछे आपको मैं एयरपोर्ट का पूरा व्यू करवाता हूँ यहाँ से, बिल्कुल एयरपोर्ट जो है वो बिल्कुल पानी के ऊपर जैसे बना हुआ हो।
आए मेरे साथ। यहाँ पर थोड़ा सा पानी के अंदर गंद पड़ा हुआ है, लोगों ने अपने काम दिखा दिए हैं यहाँ पर भी, लेकिन पानी का कलर वगैरह आप देखें बिल्कुल जो ब्लूइश और ग्रीन किस्म का जो पानी होता है बिल्कुल उस तरह। वो दूर शायद आपको नज़र आ रहा हो वो मर्चेंट शिप्स हैं, वो कंटेनर शिप जा रहा है, ये बाकी बोट्स हैं, और बाकी ये जो मालदीव्स वगैरह में और जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज में आपको नज़र आते हैं कोकोनट ट्रीज वगैरह वो सारे आपको दिख रहे हैं वहाँ पर। मैं आपको बता रहा था कि माले जो है माले इट्सेल्फ कोई इतना ज़्यादा, मैंने जो थोड़ी रिसर्च की है वो शायद इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। बेसिकली जो आप जाते हैं रिजॉर्ट्स में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो बहुत ही ऑसम किस्म के हैं, लेकिन मालदीव को मेरे पास अभी टाइम है, अभी तकरीबन 8 हुए हैं और शाम 6 बजे मेरी फ़्लाइट है, तो फ़्लाइट से दो ढाई घंटे पहले मैं आ जाऊँगा एयरपोर्ट, तो आई थिंक आई हैव इनफ आवर्स टू कवर मोस्ट ऑफ द एरिया इन माले, क्योंकि छोटी सी जगह है, और इंशाल्लाह जितना भी हो सका आपको दिखाऊंगा। मौसम जो है वो आप कह सकते हैं कि गर्म है, ह्यूमिड जैसे होता है। ये देखें मेरे पीछे जो मालदीव का लिखा आ रहा है, ये देखें यहाँ से दोबारा मैं चलता हूँ, देखता हूँ जाके क्या पता मेरा एजेंट आ गया हो, तो थोड़ा सा ताकि सिटी को एक्सप्लोर कर सकते। एजेंट मेरा अभी आया है और अभी कह रहा है कि पता नहीं एक गाड़ी में इतनी जगह नहीं है, बारी बारी लोगों को लेके जाऊँगा, छोटी सी गाड़ी लेके आए, बंदे इतने ज़्यादा हैं तो पता नहीं हमारी बारी कब आनी है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको ये वाला जो एरिया ये भी दिखा देता हूँ। ये देखें ये इस किस्म की जो है ना यहाँ पर काइंड ऑफ छोटी छोटी आप कह लें फेरीज हैं, ये यहाँ पर जो टूरिस्ट आए हुए हैं जर्मनी से लड़कियाँ, और यहाँ पर जो है ये दूर आपको नज़र आ रहा होगा ये शिप, इस तरह वो सारे का सारा माले सिटी है शायद। पानी बहुत ज़्यादा साफ है लेकिन वैसे जो है ना बना हुआ काफ़ी पुराना है, एयरपोर्ट की हालत देखें अगर आप, रंग लगा हुआ है उसकी आज तक उन्होंने इम्प्रूव किया नहीं, मतलब मेरे ख्याल में था कि शायद एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हाई फाई किस्म का बना हुआ होगा लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मेनली क्योंकि यहाँ पर लोग आएंगे क्योंकि आगे रिजॉर्ट्स वगैरह में जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने मेरे ख्याल में ज़्यादा पैसा खर्च किया नहीं इस चीज़ के ऊपर। ये जो है ये एक स्मोकिंग एरिया है डेजिग्नेटेड बना हुआ है, उसके अलावा ये देखें ये इस तरह ये टूरिस्ट आए हुए हैं, ये जो ये अंधेरी एक्सप्रेस इसका नाम है, इस तरह ये लोग मेरे साथ में बैठ के अपने अपने जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर जाएंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है यहाँ पर सी प्लेन की, ये देखेंगे जो लोग जा रहे हैं उठा के, ये सर्फिंग वाले हैं जो सर्फिंग करेंगे समुंदर की लहरों में, ये देखें ये लोग अभी वहाँ से आए हैं, इसका नाम है हारमनी। ये जो फेरी है इन लोगों को लेके आई है इनके रिजॉर्ट से एयरपोर्ट पे, काफ़ी ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है, कहीं से भी नहीं लग रहा कि कोरोना शोना चक्कर है, लोग फुल टाइम जो है ना यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं मालदीव में। ये जो है फूड चेन्स यहाँ पर हैं,
बर्गर किंग देखें आप, द पिज़्ज़ा कंपनी, कॉफ़ी क्लब, ये शाही एक्सप्रेस है, माइनिंग फूड है, और तो वीकू है, ये सारी जो है वो खाने पीने की चीज़ें हैं। और ये वाला जो है ये फूड कोर्ट का एरिया बना हुआ है, यहाँ पर आप खा सकते हैं। और जो सामने आपको मैंने बताया था वो कॉफ़ी क्लब है, और उधर पिज़्ज़ा कंपनी है। ये देखें यहाँ पर, ये जो डी क्यू है ये डेरी क्वीन है, यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह है, ये कैफी क्लब है, ये बर्गर किंग है। अच्छा, ये जो अंदर वाला फूड कोर्ट है ये बेसिकली वो है, ये थाई एक्सप्रेस है, ये क्लोज है। ये फूड कोर्ट जो है इसमें एयर कॉन अवेलेबल है, तो मैं भी कुछ बर्गर किंग से लेता हूँ खाने के लिए। मैंने ये बीफ बर्गर ऑर्डर किया है, साथ फ्राइज हैं और स्प्राइट, ये खाएंगे उसके बाद इंशाल्लाह ताला गाड़ी भी आ जाएगी, फिर आगे चलेंगे। तो अब मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ, अब टैक्सी का सफ़र स्टार्ट हुआ है यहाँ से हमारा होटल की तरफ, तो आपको साथ लेके चलता हूँ।